तो इसीलिए जो आपको रेवेन्यू या चीजें होंगी वो ऐसे वाले क्लाइंट से भी आएंगी, वो चाहे आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं नहीं है, बट वो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक सोर्स है, जस्ट एक सोर्स है, ऐसे वाले हजारों सोर्स हैं जो मिस्टर ऐश ने पैदा कर चुके हैं। तो जब आप कई बार कहते हो या हेटर्स आपको कहते हो कि ऐसे कैसे अगले महीने का तो कहां से आपको जेब से देना है, ये देना है, तो मिस्टर ऐश को मालूम है कहां से देना है। ओके, आपके उधर क्या कैसे होगा, सिस्टम, लेट द सिस्टम स्टार्ट्स। और अलग अलग चीजें हैं जो कि रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगी और वो देंगी भी। ऐसे करके ऑलरेडी टाई अप्स और भी बहुत सारी चीजों से हो चुका है। तो मिस्टर ऐश आपको आने वाले दिनों में वो बताएंगे, हम उतनी बात बताएंगे जितनी ऐश बोलते हैं, बाकी की हम अपने पास ही जब तक रखेंगे। अभी वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कमीशन पे और आगे जाके बाकी चीजों पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है आप जैसे गुस्पिंदर जी ने बोला कि हो सकता है आपके वॉलेट में और भी दिख जाए, तो ये एक पॉजिटिव है। और फर्स्ट डे उन्होंने बोला कि वॉलेट का अगलेस्ट डे होता है, तो आगे जाके डेफिनेटली और चीजें अच्छी हो जाएंगी। थोड़े से कमीशन ऐसे रहेंगे जो एंड ऑफ द थ्री मंथ्स आपको दिख जाएंगे, तो अभी आपको दिखता नहीं तो डोंट वरी, एंड ऑफ थ्री मंथ्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द बिजनेस मॉडल, और कंपनीज विल, जो कंपनीज है, जो बाकी के कंपनीज है, वो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन हमारा बिजनेस मॉडल देख के, वो उनका बिजनेस मॉडल इम्प्रूव करेंगे। देन विड्रॉल इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बोला कि $100 उन्होंने रखा था अमाउंट, तो $100 का मिनिमम रखा है, तो $100 के ऊपर, $100 क्यों, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर छोटा अमाउंट रखते हम 25 या 50 भी रख सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आप जब भी ये विड्रॉ करो तभी बैंक के थोड़े से चार्जेस रहते, तो उसमें आपको आता नहीं इतना, इसलिए उन्होंने बोला $100 रखा है। प्लस फर्स्ट सेल जब भी होता है तो आपका 100 के ऊपर ही होता है, $140+, तो इसलिए वो $100 लिमिट रखा था। तो उन्होंने बोला कि एज पर बुक, उन्होंने बोला कि जब भी एक्चुअल बैंक में आने के लिए 10-15 दिन लगते हैं, एक्चुअल ये बुक में लिखा है, लेकिन आई थिंक टेस्टिंग में, आई थिंक लाइक नॉट ओनली टेस्टिंग बट आई थिंक उन्होंने 5 दिन बोला, लेकिन ये हम जब भी बैंक अकाउंट डालेंगे और बैंक अकाउंट में एक्चुअली जब भी टेस्ट करेंगे तभी ही आपको समझेगा। मैं सर यहाँ पर रीसेलर हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एक रीसेलर हूँ, मेरे फैमिली का एक आईडी है, तो क्या सर मुझे क्या मिलने वाला है, ये मुझे क्लियर होना चाहिए था सर, और कुछ नहीं है सर मेरा। ओके, मैं शायद पहले ये बात बोला, फिर से मैं क्लियर करता था। इफ यू आर रीसेलर या व्हाट एवर, यू फर्स्ट अपने आप में ये बात रखिए आप ऑन पैसे में हो। ओके, ऑन पैसे में हो और आप इंटरनेट से जुड़ी हुई किसी चीज के साथ काम कर रहे हो, इंटरनेट इज ए ह्यूज थिंग। ओके, सो फॉरगेट अबाउट आप क्या मिलेगा, कि जब मैं इंटरनेट के साथ जुड़ जाता हूं तो आपकी कंपनी आपके लिए काम कर रही है, और जब काम कर रही है तो आपको एक फाइनेंशियल सक्सेस देने के लिए ही काम कर रही है, फर्स्ट थिंग। और कौन सी सक्सेस देने के लिए काम कर रही है, ये $10-$50 देने के लिए काम नहीं कर रही आपकी कंपनी। ओके, ये आप कहीं भी कमा लोगे। आपकी कंपनी बहुत कुछ बड़ा लेके और सबको अपलिफ्ट करने का काम करने वाली है, तो अपलिफ्ट आप अगर $10-$20 कंपनी आपकी आपको देने वाली है तो उससे नहीं होने वाले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बहुत कुछ बड़ा होगा तब अपलिफ्ट आप अपने आप को भी कर पाओगे और उसके बाद आप दूसरों को भी कर पाओगे। सो यहां पे सेलर्स, रीसेलर्स जो भी आएगा, जो जुड़ जाएगा, कंपनी को मालूम है, सिस्टम को मालूम है, इंटरनेट को मालूम है कि उसको सक्सेसफुल कैसे करना है, और आपकी जेब में पैसे, आपको सक्सेस करना है पहले और उसके बाद आप दूसरों को कैसे सक्सेस कर पाते हो, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो फॉरगेट अबाउट मुझे क्या मिलेगा तो और उसको क्या मिलेगा, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव। ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव इज कि इस धरती को मुझे अपलिफ्ट कैसे करना है।
सो इफ धरती को अपलिफ्ट करना है तो धरती डजंट नीड $10 और $20 और $30, इट नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, सेलर्स रीसेलर्स जिनको बात नहीं समझ आ रही कि यहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इधर का उधर होने वाला है सिस्टम के थ्रू। थ्रू दैट सिस्टम ऑन पैसिव इज गोइंग टू वर्क, ऑन पैसिव इज नॉट कमिंग कि 10 20 50 100 डॉलर आपकी जेब में डालने के लिए और उसके बाद कहेंगे ओ आप तो अपलिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं है। सो सिस्टम विल वर्क ऑन योर बिहाफ। वो जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन हो जाए दूसरे दिन, इट विल ऑल्सो टेक टाइम ओके, बट द टाइम विल वर्थ ऑफ योर सक्सेस ओके। आपकी सक्सेस के लिए वर्थ होगा वो टाइम जो आपके लिए होगा, जब आप उसको टोटैलिटी में देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ओ या मैं कहां पे था और आज मैं कहां पे हूं थ्रू ऑन पैसिव ओके। सो ये थोड़ा हम ना अपना माइंडसेट को चेंज कर लें यहाँ पे, ये हमारा क्योंकि हम नो डाउट पैसे की हमें जरूरत है वो दैट इज ओके, हमें कितना मिलेगा वो भी हमारा क्योंकि वो भी एक अच्छी बात है, वो हमें मालूम होना चाहिए, बट वो ना मिस्टर ऐश को मालूम है कि आपको कितना देना है ओके, ना हमें मालूम है, किसी को नहीं मालूम। वो सिस्टम जो ऐश ने प्रिपेयर करके रखा है उस सिस्टम को मालूम है कि इस सिस्टम ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो जनरेट करने हैं, बस इसीलिए ना कभी ऐश आपको बता पाएंगे कि आपको कितना आएगा, ना मैं बता पाऊं, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बता पाएगी। ओनली ही इज प्लेसिंग दैट सिस्टम, उस सिस्टम को प्लेस किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू ऑटोमेशन ओके, ऑटोमेशन का पार्ट आप भूल गए हो ओके। सो थ्रू ऑटोमेशन वो एक ऐसा एक चीज बुनी गई है जहां पे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं उनको सर्कुलेट किया जा सके ओके, लीगली मॉरली एथिकली। तो इसलिए आपको कितने आएंगे यू डोंट इवन इमेजिन दैट, ना आपको कभी आप सरप्राइज हो जाओगे डाउन द लाइन जब मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, आपके सिंगल की बात कर रहा हूं, ये जितने भी सिंगल है ना ये मिंगल होने वाले हैं देख ओके ओके अब देखते रहना ये जितने भी सिंगल हैं ओके क्योंकि यू आर इन द सिस्टम, हाँ सिस्टम में आ जाओ, पर इतना है, फॉरगेट अबाउट कौन क्या कह रहा है, कौन आपको कौन सी सीख दे रहा है। मैं तभी कहता हूं दिस गार्बेज यूट्यूबर से दूर हट जाओ, दे आर नॉट अप टू दैट लेवल कि वो उस लेवल पे थिंक कर सकें ये लोग ओके, क्योंकि इनको नहीं मालूम, अगर इतना ही थिंक कर लेते ऑन पैसे बना लेते, थिंक ऑफ दिस थिंग ओके, सो दे विल नेवर मैच की कौन सा क्या है। द ओनली थिंग ही कंसंट्रेट ऑन पैसिव, कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कि बनाया गया, 5 साल लग गए, इट इज गुड, आगे भी चीजें हो रही हैं। तो जस्ट आइए, आप देखना महीने के बाद आपकी कुछ और नजरिया होगा, 2 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा, 3 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा, 6 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा ओके। तो आपको ये वाली बातें फिर लगेंगी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तो वो सही बात है, ये कुछ और ही था असल में, बट एनीवेज अ गुड क्वेश्चन। सो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स ओके। थैंक यू सर, आंसर मिल गया भरत सर आपको। नागमा मैडम बहुत बड़ा था। ओके सर, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ आपको नमस्ते इसलिए क्योंकि आपका वीडियो देख के हमारा शुरुआत होता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मोहम्मद कैफ। अच्छा मैंने शायद नमस्ते, मुझे लग रहा है सो तो नहीं गए कहीं। नमस्कार। नहीं नहीं सर, मैं नोट कर रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, देखो ये भी बहुत मेहनत, ये मोहम्मद क्या भी बहुत मेहनत करते हैं ओके, इन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत अच्छी वीडियोस भी बना रहे हैं आजकल, एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो कैफ, ठीक है ना। और बाकी के जितने भी हम लोग कर रहे हैं मेहनत अपने अपनी जगह पे, सारे सीख के जो कर रहे हैं, बट ऐसे ही है कि जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ चीजें समझ आने लग जाती हैं। तो ऐसे वेल डन एंड कीप इट अप कैफ, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो ओके वीडियोस। बट हाँ थंबनेल सबके सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब लोगों से कि थंबनेल्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया करिए, प्रोफेशनल वे से बनाया करिए, जहां पे लगे कि आप एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के फाउंडर हो और आप एक अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और थंबनेल में कभी पैसे को जिक्र मत करो, मेरे ये जितने भी हमारे बाकी के यूट्यूबर जो पैसा वहां